ये मैं हूँ, ये जारा और निदा है, और ये हमारी मॉर्निंग पार्टी हो रही है। मैं हूँ निदा यासी, मेरे साथ हैं दनानी और जारा ने, और हमारी पार्टी हो रही है। हमारे जो कैमरामैन हैं अब उनके ऊपर है, उन्होंने हमें एज अ मोबाइल ट्रीट करना है, और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है। ठीक है, तो आपने वैसे ही जैसे उसमें था लाइक वीडियो में, पहले इनका क्लोज था और वो वैसे ही कैमरा हिलना चाहिए जैसे मोबाइल हिल रहा है। ठीक है, हाँ आप रेडी करेंगे मुझे तो मैं दनानी को रेडी करूंगी। रेडी, गेट सेट, गो। ये मैं हूँ, ये निदा यासर का शो है, और ये हमारी पार्टी हो रही है। पार्टी पे लॉन्ग आना चाहिए। हमारे डायरेक्टर ने सही से गौर से नहीं देखा। आ जाओ, थैंक यू। मैंने अपने लिए ही बनाई थी, फ्रेंड्स के लिए ही बनाई थी वीडियो, अपने ग्रुप के लिए। फिर वो उनको सबको, फ्रेंड्स को मैंने ग्रुप में भेजी, उनको इतनी पसंद आई, उन्होंने कहा ये तो डालो, क्या कर रही हो। आई वाज लाइक, उन्होंने कहा डालो, बस डालो। ठीक है, और तुमने एक्सेंट जान के बनाया था, क्योंकि मैंने तुम्हारा इंस्टा पे देखा था, उसमें लिखा था बर्गर्स अगर। इट वाज इंटेंशनल। एक दफा जरा लाइव बना के देखो ना, अभी तो लाइव लोग देख रहे हैं, अभी बनाओ। हाँ, हर जगह, और अब तो इंटरनेशनली वायरल हो गई। कल रात को देयर वाज दिस ह्यूज इंडियन एक्टर जिन्होंने, आई बीन लाइक अ फैन ऑफ हिज, सिद्धार्थ मल्होत्रा, उन्होंने रीपोस्ट किया था। ओए ओए, अच्छा, वो अभी तक मैंने नहीं देखी। इट वाज ह्यूज फॉर मी। ओह ग्रेट, जबरदस्त। तो अच्छा, दनानी को एक्टिंग का शौक है? कुछ ऐसे वाले जरा सी एक्टिंग के हैं अपनी हद तक, घर की हद तक है, लेकिन वैसे प्रोफेशनली कैसे घर वालों की तरफ से, अगर तुम्हें लाइक इतनी वायरल हो गई है, क्या पता तुम्हें एक्टिंग की ऑफर हो जाए, तो तुम्हारे घर वाले राजी हों? के ऑफर्स का तो है, लेकिन रजामंदी का थोड़ा सा मसला है। थोड़ा पेशावर से हो तुम? हाँ जी, पेशावर से, तो खानदान वाले। थोड़ा सा है, उन्होंने हमें बताई नहीं, हमारी हदूद बताई नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा कि आप ये करो, और फिर लेकिन थोड़ा सा मीडिया इंडस्ट्री में उन्होंने कहा है कि ये आपने इतना ठीक है। हाँ। इससे आगे क्या बनना चाहती है दनानी? बड़े होके, मतलब लाइक अभी तो ये लड़कपन के दिन है ना, जब मैच्योरिटी में क्या सोचा है, क्या ख्वाब है दनानी? सीएसएस ऑफिसर इंशाल्लाह।